बिहार के नालंदा जिले में महज 300 रुपए के लिए एक व्यक्ति की पीट पीट कर जान ले ली गई। इसमें 6 लोग जख्मी भी हो गए। घटना नूरसराय थाना क्षेत्र के अजयपुर गांव का है, जहां सदन मिश्री के यहां गांव के मिठू यादव का 300 रुपए बकाया था। बकाया रुपए को मांगने के लिए मिठू यादव और उसके सहयोगी नशे की हालत में सदन मिश्री के घर पहुंचे। इस पर सदन मिश्री ने बाद में रुपए लौटाने की बात कही तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि मिठू ने गाली गलौज करते हुए सदन मिश्री को लाठी डंडे से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। इस दौरान बीच बचाव कर न्याय परिवार के 6 लोग भी जख्मी हो गए। सभी लोगों का इलाज जारी है और वहीं अस्पताल में डॉक्टरों ने सदन मिश्री को मृत घोषित कर दिया। बाकी अन्य का इस वक्त इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। मृतक के बेटे का आरोप है कि पिता घर पे जो है पास में बैठे थे और इस दौरान 300 रुपए मांगने आए मिठू यादव और उनके सहयोगियों ने सीधा उन पर लाठी डंडे से वार करना शुरू कर दिया। उनके पिता ने कहा था कि वे छठ के बाद पैसे लौटा दे, लेकिन वे बात नहीं माने और इसमें उनके परिवार जन भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में नूरसराय जो थाना अध्यक्ष है उन्होंने तुरंत बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन लगातार छापेमारी की जा रही है और उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और मामले को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।